फरीदाबाद के गुरुग्राम को जोड़ने वाली मेट्रो रेल का रूट सर्वे एक बार फिर होगा। चौतरफा विरोध के कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने 10 अगस्त तक नए रूट की रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार ने 30.38 किलोमीटर लंबी फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो रेल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भेज दी है। इस CPR की बाबत विस्तृत जानकारी नगर एवं आयोजन विभाग के प्रधान सचिव अपूर्ण कुमार सिंह ने विधानसभा की लोक उपक्रमों संबंधी कमेटी की बैठक में रखी है। इसके बाद NRT फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इसके रूट पर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच 3 रूट तय किए थे। इसमें से पहले 2 रूट ऐसे थे जो NIT विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्याली चौक से बड़खल एनक्लेव होते हुए गुरुग्राम की तरफ जाते थे। तीसरा रूट फरीदाबाद से बाटा चौक से अंडरग्राउंड सीधे अरावली गोल कोर्स फिर बड़खल एनक्लेव गुरुग्राम जा रहा था। DMRC को भेजी DPR में तीसरा रूट तय किया गया है। इस पर पहले 2 रूट में से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आनी है।